1 जून से आम नागरिकों के लिए 100 जोड़ी ट्रेनें शुरू करने वाले रेलवे कई नियमों के साथ आ रहा है, जो कुछ इस तरह से हैं। इन नए नियमों के तहत ट्रेन की सामान्य बोगी में भी अब आरक्षित टिकट लेकर ही यात्रा मुमकिन हो पाएगी। इसके अलावा वेटिंग टिकट या आरएसी पर यात्रा भी आप नहीं कर पाएंगे। यही नहीं, वेटिंग टिकट वाले यात्री को प्लेटफॉर्म पर आने की इजाजत नहीं होगी। ट्रेन के प्रस्थान यानी डिपार्चर से पहले कम से कम 4 घंटे पहले पहला और 2 घंटे पहले दूसरा चार्ट तैयार होगा। रेलवे की इस सुविधा से यात्री अब अपना टिकट यात्रा से 2 घंटे पहले भी रद्द करा सकेंगे, जिससे वेटिंग में चल रहे यात्री का टिकट कंफर्म हो पाएगा। इसके अलावा ट्रेन में कोई भी अनारक्षित कोच नहीं होगा। रेलवे के अनुसार स्टेशनों पर सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर हाल में जरूरी है। सबसे खास ये कि जिन यात्रियों के पास कंफर्म टिकट होगा, केवल उन्हें ही प्लेटफॉर्म पर एंट्री मिल पाएगी। कोच में चढ़ने से पहले यात्री का स्वास्थ्य भी जांचा जाएगा। संदिग्ध पाए जाने पर यात्री का टिकट रद्द कर उसे पूरा रिफंड मिलेगा। फिलहाल तो इन नए नियमों के बावजूद बड़ी संख्या में यात्रियों ने कई ट्रेनों में वेटिंग और आरएसी में टिकट बुक कराए हुए हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।